स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इंडिया के एक टेम्पल में डिस्कवर होने वाला खजाना, और एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जारी की है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि हम ना तो इस्लाम के खिलाफ हैं ना मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये हमारी डोमेन ही नहीं है। इंडिया के पास इतना पर्सनल गोल्ड है सरकारी सतह के अलावा, इतना गोल्ड है कि जो पूरी दुनिया से ज्यादा है। लार्जली ओवरऑल वो अपनी जो इकोनॉमी को बेहतर करने की वजह, हम तीसरे नंबर पे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं। आपको पता है इसमें उन्होंने बड़ा काम किया हुआ कि हमने इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे लेके जाना है। कल अगर ईरान और इसराइल की लड़ाई बढ़ती है, फैलती है और डायरेक्टली वॉर हो जाता है दो कंट्रीज का, तो ईरान की पीठ पे खंजर जो उतरेगा वो खंजर होगा पाकिस्तानी। आप नोट कर लेना, इसीलिए इनके जर्नलों ने पैसे पकड़े। मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्व का कोई तल्लुक होता तो फिर पहले भी दो टने और तो बीजेपी के हैं, मतलब 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई? उस खजाने के साथ साथ ये पता चलता है कि इस टेम्पल में, केरला के इस टेम्पल में कुछ ऐसा मिस्टीरियस हुआ है कि जो सब हैरान रह गए हैं। वो क्या है? आपने मेरी कई स्पीचेस जो है वो आपने दिल्ली की सड़कों पर रोड पर मुझे भीड़ में देखा है, पर आपने देखा उस पूरे वीडियो में कभी भी कि कोई टच कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है? नहीं, क्योंकि सनातनियों में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हैट्स ऑफ है यार। पाकिस्तानी जर्नलों के घर तेहरान में थोड़ा ना है? नहीं, ये बात करते हैं कश्मीर की, ये बात करते हैं लेबनान की, ये बात करते हैं फिलिस्तीन की। ये कभी ना जाए फिलिस्तीन, ये कभी ना जाए, ये मर जाए तब ना जाए फिलिस्तीन, ये बातें करते हैं अपने महलों से। दे डोंट हैव एनी कमिटमेंट। और ये जो क्वेश्चन बार बार किया जाता है कि हम एंटी मुस्लिम हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के दोस्त हैं और उन्होंने कहते हैं इनसे उनको बहुत कुछ हासिल हुआ है। ये हमें सब कुछ किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया। पहले तो औरत की जो माशरे के अंदर इज्जत थी, माजरत के साथ मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, ये लौंडी का फिर क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर? सर, हमारे भारत के सनातनियों का दिल बहुत खूबसूरत है। अच्छा। इतना खूबसूरत है कि पाकिस्तान की आयशा को का जो दिल धड़क रहा है वो हमारे भारत का ही दिया। इतना खूबसूरत। दुबई में घर है करोड़ों अरबों के, इनके बड़े बड़े घर है, कोठियां हैं इनकी। ये थोड़ा ना ईरान फिरान, ये तो ठीक है इस्लामिक भाईचारा, ये चूरन जो पाकिस्तानी गरीब जाहिल है ना, उसको बेचने के लिए चूरन है यार। एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जारी की है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि हम ना तो इस्लाम के खिलाफ हैं ना मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये हमारी डोमेन ही नहीं है। ये उन्होंने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू देते हुए कहा है। और ये जो क्वेश्चन बार बार किया जाता है कि हम एंटी मुस्लिम हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के दोस्त हैं और उन्होंने कहते हैं इनसे उनको बहुत कुछ हासिल हुआ है, और ये जो ये एक गलत जो है वो बात उन्होंने जो मुसल्लत की जा रही है, जो कही जा रही है वो है। एनी हाउ ये एक जारी बात है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। ये जो थर्ड फेज ऑफ इलेक्शंस है, ये तकरीबन 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, 11 स्टेट्स के अंदर ये जो है ये पोलिंग हो रही है, और ये आप समझें कि एक बड़ा फेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे इस थर्ड फेज के अंदर, जैसे मैंने बताया 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें गुजरात भी है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका का, गोवा के इलाके जो है यहाँ पे ये वो इस वक्त हो रहा है। सो वो जो सही कहते हैं कि पूरे का पूरा 1.5 महीने के अंदर इलेक्शंस फैले हुए हैं, ये बहुत बड़े आप समझ लें कि इलेक्शंस हैं। और आप देखिए ना, एक अब हो रहा है कि मिसाल के तौर पे गुजरात पे इलेक्शन हो रहे हैं, मैं मिसाल देना चाहता हूँ, या छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहे हैं, या अब जो यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है जी। यूपी की अगर फॉर एग्जांपल 80 सीट्स हैं, तो उनमें से जो 10 नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जो हैं, जो सीट्स हैं उनके ऊपर इलेक्शन हो रहा है। सो ये एक पूरी की पूरी आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है,
मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्व का कोई तल्लुक होता तो फिर पहले भी दोट नहीं, और तो बीजेपी के हैं, मतलब 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई है? आप इंडिया की बात कर रहे हैं? देखिए इंडिया की अगर आप बात करें ना, मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है फिर उस और जो भी उसके मुताबिक एक आम राय है, लेकिन उसका टेन्योर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है और नजर आई है, दुनिया देख रही है, और उन्होंने आईटी को उठा के देख ली, एक सिंपल से एक हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की चांद पे वो पहुंचे चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा पांचवी बड़ी इकॉनमी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप, इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाए। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब हम तो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम भी नंबर वन कह लें, या मतलब बहुत ज्यादा नंबर वन कहना, तो मैं भी कहूँ कि जी फास्ट फूड में नंबर वन हूँ लेकिन नंबर वन होना कहना और प्रैक्टिकल होना बड़ा फर्क पड़ता है, ये बड़ी टेक्निकल। और अभी आईटी की हम बात कर रहे हैं ना, आईटी वो फील्ड है कि जो प्रैक्टिकल मांगती है, वो डिग्री बेस्ड नहीं होती, वो ये नहीं कहती कि आपने डिग्री पेपर दिखाया और आपको कुर्सी टेबल मिलेगी, आप जॉब करना शुरू, ठीक है, वहां पे आपने करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखाना है, आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंडिया में आज भी आप उठा के देखें ना, तो आईटी वहां का बच्चा बच्चा लेके चलता है और उसको पता है कि ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है, उसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा था पाकिस्तान में। आप भी किसी आज किसी स्कूल के पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल के बाहर चले जाएं और वहाँ के 2-4 बच्चों के ऐसे ही रफ कट इंटरव्यू करें कि भाई आप फ्यूचर को क्या देखते हैं, वो कहता है जी एक ही जवाब होगा, जी वो मुझे तो नहीं पता, या तो वो कह देंगे बाहर जाना है, या पापा जो कहेंगे वो होगा या मैं बाहर जाऊंगा, उसको क्लियर कट अपनी कुछ नहीं पता कि मेरा कल क्या है। और इसमें मेरे ख्याल से देखें बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है, इसमें मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स की उतनी मिस्टेक नहीं है जितनी टीचर्स की मिस्टेक है। इंडिया के एक टेंपल में डिस्कवर होने वाला खजाना, नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं जहां पर बहुत सी ऐसी आपको कहानियां मिलेंगी कि जो दुनिया में वाकयात होते हैं, वो बहुत से ऐसे वाकयात जो ऐसा लगता है कि सच नहीं है लेकिन वो सच होते। ऐसी ही एक डॉक्यूमेंट्री देखते हुए मेरी नजर से ये खबर गुजरी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जरा इसकी रिसर्च की जाए। और जब रिसर्च करने हम निकले तो पता ये चला कि दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में और मीडिया आउटलेट्स में ये खबर 2011 से लेकर उसके बाद तक पब्लिश होती रही है और ये सच है। देखिए वैसे तो इंडिया में बहुत से मिस्टीरियस टेम्पल्स हैं, बेशुमार टेम्पल्स हैं, ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं कि जिनकी जो कंस्ट्रक्शन है वही देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। केरला के हम इस वक्त एक टेंपल की बात कर रहे हैं और ये टेंपल जो है पद्मनाभस्वामी टेंपल, इसके बारे में खबर 2011 में ये पब्लिश होती है फोर्ब्स एंड WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल तक में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देख, आशा करेंगे वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।